कुछ साल पहले एक साइकोलॉजिकल स्टडी के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था दो ट्विन बच्चों पर। इन ट्विन बच्चों को एक लैब में रखा गया, आइसोलेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स से दूर रखा गया था। और इस लैब में किया गया, इन दोनों बच्चों को आइसोलेट किया गया, एक को एक कमरे ए में रखा गया, दूसरे को कमरे बी में रखा गया था, यानी रूम नंबर ए एंड रूम नंबर बी। अब रूम नंबर ए वाले बच्चे को हमेशा साइंटिस्ट क्या करते थे कि उन्हें पॉजिटिव चीजें बताते थे, यानी वो दिखने में बहुत खूबसूरत है या फिर हैंडसम है, वो बहुत समझदार है, उसकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छी है, ऐसी चीज़ों से उसे हमेशा उसका दिमाग भर दिया गया। और दूसरे रूम यानी रूम नंबर बी की बात करें तो वहाँ पे साइंटिस्ट हमेशा उससे कहते थे कि तुमने जो काम किया वो ठीक नहीं हुआ, आज तुम ठीक नहीं लग रहे, तुम्हारा कपड़ा ठीक नहीं लग रहा, ऐसे कह कह के उसे हमेशा ये एहसास दिलाया गया कि ही इज़ नॉट परफेक्ट और ही इज़ नॉट गुड इनफ, मतलब वो अच्छा नहीं है, ये उसे हमेशा समझाया गया। और रूम नंबर ए वाले बच्चे को हमेशा उसके स्कोर्स या फिर उसके जो टेस्ट होते हैं या फिर स्कूल के एग्जामिनेशन, उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा गाइड किया गया था। और रूम नंबर बी वाले बच्चे को खुद से पढ़ने के लिए पुश किया गया और कहा रूम नंबर ए वाला बच्चा भी खुद से ही पढ़ रहा है और अच्छे मार्क्स ला रहा है। अब इसमें 6 महीने के बाद रूम नंबर ए वाला जो बच्चा था वो आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर रहा था स्कूल में, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और वेल ड्रेस्ड था और उसके जो स्कोर्स थे एग्जाम के टॉप थे। और उसी जगह रूम नंबर बी वाला जो बच्चा था जो कि ट्विन था, उसके स्कोर्स सबसे नीचे थे और कुछ सब्जेक्ट्स में वो फेल भी हो गया था और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ज़्यादा नीचे था। वो क्लास में ज़्यादा अटेंटिव नहीं था, उसका फोकस नहीं रहता था, ना खेलकूद में मन लगता था, ना दोस्तों से बात करने में, वो अकेले अकेले रहने लगा। अब साइंटिस्ट यहाँ पे रुके नहीं, उन्होंने रूम ए वाले बच्चे को अब नेगेटिव फीडबैक देना शुरू किया और रूम बी वाले बच्चे को पॉजिटिव फीडबैक, और ऐसा ही वो करते रहे। और 6 महीने बाद उन्होंने एनालाइज किया तो एक्चुअली रिजल्ट्स बदल चुके थे, यानी रूम ए वाला बच्चा जो टॉपर था उसके स्कोर्स कम हो गए थे और रूम बी वाला बच्चा जो ऑलमोस्ट फेल हो रहा था वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुका था। अब इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ पैटर्न समझा। बेसिकली अगर किसी को कॉन्स्टेंटली कहा जाए कि वो खराब है तो वो एक्चुअली बिलीव करने लग जाते हैं कि वो खराब है और अपने लाइफ में वो डिमोटिवेटेड होने लगते हैं। उसी समय किसी से अगर कहा जाए कि वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इवन तो वो अच्छे ना हो, तब भी उन्हें कहा जाए, कॉन्स्टेंटली कहा जाए कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं या फिर बहुत काबिल वाले इंसान हैं यानी टैलेंटेड इंसान है, तो एक्चुअली वो टैलेंटेड हो जाते हैं या फिर वो हार्डवर्किंग इंसान बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्टडी का आपसे क्या लेना देना, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर यूपीएससी या फिर एसएससी एग्जाम्स के लिए इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए पहला और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो उस रूम वाले बी वाले बच्चे का आपके साथ सिचुएशन होगा। आप थोड़े दिन बाद आप क्या करेंगे, आप अपने काबिलियत पे शक करने लगेंगे और आप आइसोलेटेड हो जाएंगे और आपकी पढ़ाई पे भी नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट करें, आप आईने में देखिए, अपने आंखों से आंखें मिलाकर बात करिए और कहिए कि जो मैंने आज पढ़ा है सब कुछ मुझे याद है और मेरी जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इस तरह से अपने आप को ही बूस्ट करते रहिए। यही नहीं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट है, डोपामिन आपने सुना होगा, ये हमारे ब्रेन में एक हैप्पी हार्मोन जैसी चीज़ होती है। छोटा बड़ा कोई भी अचीवमेंट हमारे लाइफ में होता है तो हमें हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इस वजह से हम मोटिवेटेड होते हैं कि वही चीज़ और ज़्यादा करने की हम में इच्छा जागृत होती है। तो यहाँ पे यानी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका कैसे आप यूज करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपको एक सब्जेक्ट पता होगा, यानी अगर हम यूपीएससी की बात करें तो हिस्ट्री आपको पता है कि हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल और क्या है, मॉडर्न है। तो आपको क्या करना है कि इसे 3 तरीके से आपने डिवाइड कर लिया। अब एंशियंट को उठाकर आप उसे डिवाइड करिए स्मॉल पोर्शन के हिसाब से और उसे उसके माइक्रो टारगेट्स बनाइए, यानी उससे भी छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और एक दिन में ये छोटे छोटे टारगेट्स आपके टू डू लिस्ट में डाल दीजिए। और जब भी आप एक कॉन्सेप्ट या फिर एक किंगडम के बारे में पढ़ लेते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं तो इस
टारगेट को आप टिक करेंगे। अब इस टारगेट को टिक करने का क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बताता हूं। हर बार जब भी आप एक टारगेट को अचीव करते हैं तो आपका माइंड में हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, और उसके हिसाब से यानी माइंड के हिसाब से ये होता है कि आपने कुछ बहुत अच्छा किया है, तो और भी अच्छा करने का मन आपको करेगा और आपके माइंड को और भी ऐसे ही हैप्पी हार्मोन्स की जरूरत होगी, तो वो और भी आपको पुश करने लगेगा कि एक और टारगेट, बस एक और टारगेट, बस एक और टारगेट। ऐसे करते करते आप पूरे दिन में अपना जो शेड्यूल्ड टारगेट है उससे ज्यादा अचीव कर पाएंगे। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करके देख लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस पता चलेगा। अब यही नहीं, माइक्रो गोल्स की हमने बात की है तो एक और बात बता दूं, कभी भी अगर आप देखते हैं अपने लाइफ में एक बड़ा सा गोल है आपको अचीव करने के लिए, ओके, आपने समझ लिए, आपने बोला है कि अपने आप से कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, राइट, तो ये एक बहुत बड़ा गोल आपको लगेगा इनिशियली, ओके, तो आपको ये अचीव करने में बहुत दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है कि आईएएस बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। आपको मैं बता सकता हूं कि सब कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे आपको, मैक्स या फिर सीसेट के लिए प्रिपेयर करना होगा, मेंस के लिए आंसर राइटिंग करनी होगी, इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर होना होगा, ओके, ऐसे कुछ टास्क होंगे आपके। तो आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे और आपको पता चलेगा कि बेसिकली आपको एनसीईआरटी ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, राइट, तो आप उसे भी छोटे 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 टाइनी टाइनी माइक्रो गोल्स के हिसाब से डिवाइड करेंगे। और आप क्या करेंगे, हर दिन आईएएस बनने के सपना नहीं देखेंगे, आप हर दिन क्या करेंगे, इन टारगेट्स को जो कि आपको आईएएस बना सकती है उन टारगेट्स को फोकस करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा डोपामिन की बात, राइट, टू डू लिस्ट में इस माइक्रो गोल्स को अचीव करते रहेंगे तो होते 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 दिन गुजरते गुजरते आपका जो लार्जर प्लान है वो आपके नजदीक आता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। अगर आप दूर वाले मंजिल को देखते हुए चलेंगे तो 100% गिर जाएंगे, क्योंकि खड्डे होंगे या फिर डिविएशंस होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप रास्ता देखते चलेंगे और आपको पता है आपकी मंजिल आपने डिसाइड कर लिया है किस रास्ते से आपको जाना है, तो उस रास्ते को छोटे छोटे ब्रेक्स के हिसाब से या फिर छोटे छोटे ब्लॉक्स के हिसाब से अगर आप डिवाइड कर देते हैं और उस ब्लॉक को आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आप कवर करेंगे, इस तरह से टारगेट रखेंगे, तो आपका जो टारगेट है 100% अचीव होगा और आपका गोल जो है बहुत ही आसान बन जाएगा। इसी वजह से कई सारे ग्रेट पर्सनालिटीज ने कहा है कि एंजॉय द जर्नी नॉट द गोल, क्योंकि आप जो जर्नी होता है उसे ही आप अगर एंजॉय करने लगेंगे तो आपका जो डेस्टिनेशन है वहां पहुंचने का सफर बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेस्टिनेशन के बारे में सोचते रहेंगे तो ये जर्नी कटने में बहुत दिक्कत होगी। और तीसरी जो बात है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोग अपने गोल के बारे में सबके बीच में बांटते जाते हैं वो लोग ज्यादातर फेल होते हैं। अगर आप अपना गोल अपने में ही सीमित रखते हैं तो आपके चांसेस ये है कि आप उस गोल को ज्यादा एफिशिएंटली अचीव कर पाएंगे। क्या होता है कि इसमें दूसरी एक साइंटिफिक बात भी है कि बेसिकली जब भी आप दूसरों से बात करते हैं यानी उस गोल के बारे में शेयर करते हैं तो आपका अंदर का झील जो होता है यानी जो जुनून होता है वो कम होता है, और उसके अलावा एक पीयर प्रेशर बनने लगता है, यानी वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं अब क्लियर करूंगा या फिर मैं ये अचीव करने वाला हूं लेकिन मेरी तो तैयारी हुई नहीं। इस तरह से आपके अंदर क्या होगा, एक फियर कॉन्शियसनेस पैदा होगा। तो इस वजह से क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड होने लगेंगे क्योंकि लोगों की नजर आप पे है ये आपको पता होती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपने किसी से भी शेयर नहीं किया है आपके गोल के बारे में और अपने से ही सीमित रखा है तो इसमें एक बेनिफिट है, कोई भी आपसे कोई भी उम्मीद नहीं रखेगा और आपको आपका काम पूरे एकाग्रता से यानी कॉन्सेंट्रेशन से आप कर पाएंगे और इसी वजह से आपकी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपका जो जर्नी है बहुत ज्यादा स्मूथ बन सकती है। तो हमेशा याद रखना, नेवर शेयर योर गोल विद अदर्स। आपका जो इंटेंशन है जो फिर आपका जो गोल है आपका जो डेस्टिनी है वो किसी को मत बताइए, अपने ऐसे ही सीमित रखिए। हमेशा याद रखिए, वर्क इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक द नॉइस।